बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद, हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है पंजाबी मटन कढ़ाई। तो चलें मैं आपको बताता हूँ पंजाबी मटन कढ़ाई कैसे बनती है और इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अभी बनाना शुरू करते हैं पंजाबी मटन कढ़ाई। एक वॉक के अंदर मैंने तकरीबन एक कप घी गर्म कर लिया है, तो अभी इसमें मैं शामिल करूँगा 2 अदद दरमियाने चॉप्ड प्याज। प्याज को बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया मैंने। अभी प्याज को मैं पकाऊंगा कि थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है, तो अभी मैं इसमें शामिल करूंगा 1 किलो मटन। मटन को मैं अच्छी तरह भूनूंगा प्याज के साथ जब तक मटन अच्छा ब्राउन हो जाए, तो फिर इसमें मैं शामिल करूंगा मसाले और दूसरी चीजें। मटन को मैंने खूब अच्छी तरह ब्राउन कर लिया है, तो अभी मैं इसमें शामिल करूंगा 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही मसाले भी शामिल कर दूंगा। इसमें मैं अभी शामिल करूंगा तकरीबन 1.5 टीस्पून सॉल्ट, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून क्रश धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसमें डालूंगा 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपको और ज्यादा स्पाइसी है तो आप मिर्च ज्यादा कर सकते हैं। उसको 1-2 मिनट तक पकाऊंगा मैं। मसाले को मैंने अच्छी तरह भून लिया है, तो अभी मैं इसमें शामिल करूंगा तकरीबन 6 से 7 टमेटोज। टमेटोज को मैंने बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अभी मैं इसको ढक के तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पकाऊंगा जब तक टमाटर अच्छी तरह गल जाए और गोश्त भी नरम हो जाए। अगर आप जल्दी बनाना चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं 2 से 3 विसल के लिए, तो आपका मटन कढ़ाई जल्दी हो जाएगा। अगर आप इसको स्लो स्लो आग पे पकाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाबी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, तो अभी मैं इसमें शामिल करूंगा हरा धनिया और लंबी लंबी कटी हुई अदरक और हरी मिर्च। अभी इनको अच्छी तरह मिक्स करूंगा। अभी सिर्फ इसको 5 मिनट तक मैं दम पे रख के पकाऊंगा, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मजे की पंजाबी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।